नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं 3 तारीख का राशिफल नक्षत्र के आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए नक्षत्रफल इसको हमें वर्ड यूज करना चाहिए राशिफल के बजाय। लेकिन लोग तकरीबन इसको, क्योंकि जन्म जो है वो किसी ना किसी नक्षत्र में हुआ होता है, तो ये राशि को भी कोरिलेट करता है। तो एक कन्वेंशनल जो नेम है राशिफल के हिसाब से है, बट ये रिजल्ट जो पूरा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नक्षत्र बेस्ड में, ये बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता। लोग तकरीबन क्या देखते हैं कि भाई एक नंबर में अगर चंद्रमा बैठा है तो मेष राशि पे, लेकिन मेष राशि के अंदर दोस्तों कम से कम सवा 2 नक्षत्र है। यानी वहां पर जो होगा केतु का नक्षत्र जो है अश्विनी भी होगा, और शुक्र का नक्षत्र जो भरणी भी होगा, और एक पद जो होगा वो कृतिका नक्षत्र का भी होगा। तो इस प्रकार से वहां पर सवा 2 नक्षत्र आ गए। इसीलिए जब हम राशि से कहते हैं तो कुछ रिजल्ट में कमी रह जाती है, या आप कह दो कि वो बारीकी से हम इतना देख नहीं पाते। तो इसीलिए मैं अभी ये जो सीरीज की है, और मैंने इस चैनल के ऊपर ये बोला है कि मैं अगस्त के महीने सबको एक जो फ्री नॉलेज की फॉर्म में कह लीजिए, जो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ उसकी वो फीडबैक लिखी। अगर आपको ये पता है कि भी आपका चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है, तो आज के दिन वो चित्रा नक्षत्र यानी 3 तारीख के लिए अगर हम देखेंगे तो वो धन वो जन्म तारा में बनेगा। और यानी जन्म तारा में क्यों बनेगा, चाहे जो 3 तारीख को जो चंद्रमा है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल के नक्षत्र दो और हैं। तो वो 2 नक्षत्र कौन से हैं, चित्रा भी एक नक्षत्र है और एक मार्गशिरा भी नक्षत्र है। तो यानी जिन जातकों का कल 3 तारीख के दिन, अगर अपनी नक्षत्र बेस्ड अपनी राशिफल को देखना चाहते हैं, जिन जातकों का मंगल के नक्षत्रों में जन्म हुआ हो, चाहे वो धनिष्ठा हो, चाहे वो मार्गशिरा हो, चाहे वो चित्रा हो, उनका जो होगा कल का जो रिलेशन है वो जन्म तारा में पड़ेगा। और जन्म तारा में पड़ने से उनको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। मिक्स रिजल्ट मिलने का मतलब है कि एक एवरेज सा दिन रहने वाला है, और एवरेज सा दिन रहने वाले का मतलब है कि मिक्स टाइप ऑफ रिजल्ट मिलेंगे। एक हाफ में आपको ऐसा मिलेगा कि मेरा काम बन रहा है, एक हाफ में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा काम नहीं बन रहा है, लेकिन ओवरऑल शाम तक होते होते आपको ये उम्मीद रहेगी कि मेरा काम बन जाएगा। इसको कहते हैं मिक्स्ड टाइप का रिजल्ट करना। लेकिन ये फर्दर जब यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आपका लगन चाहे कोई भी हो, उसके हिसाब से अगर इसमें एक फर्दर टेक्निक और है, जब इससे अगर हम देखते हैं कि यहाँ से अगर 6th हाउस में, या आप कह लीजिए 8th हाउस में या 12th हाउस में कौन से प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, और उसका अगर संबंध वहाँ चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसके किसी भी प्रकार से हो जाता है, तो आपको वो रिजल्ट में और थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देगा। अगर आपका मतलब अगर वो किसी अच्छे त्रिकोण वाले राशि के ग्रह बैठे हुए हैं उनके साथ हो जाता है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ये तय है कि अगर कल 3 तारीख को जिन जातकों का जन्म का नक्षत्र धनिष्ठा हो, मृगशिरा हो, या आप चित्रा हो, उनके लिए मिक्स रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसी प्रकार से जिन जातकों का जन्म जो है वो चंद्रमा के नक्षत्रों में हुआ है, चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं कौन से, श्रवणा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र। अगर इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो वो मंगल से वो संपत तारा में चले जाएंगे, और संपत तारा का मतलब है वेल्थ और प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पेरिटी जो होता है वो वेल्थ से ही आती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी उनके लिए कहीं सोर्स ऑफ इनकम या कहीं से कोई न्यूज आ सकती है, पैसे की बढ़ोतरी होने की उनकी संभावना पड़ने लगेगी। पैसा एक्चुअल में ना भी आए लेकिन अगर उसकी न्यूज आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर जिन जातकों का जो जन्म है वो सूर्य के 3 नक्षत्रों में हुआ है, सूर्य के 3 नक्षत्र कौन से हैं, अगर हम सूर्य के 3 नक्षत्र देखें तो उत्तराषाढ़ा, कृतिका और इस सीक्वेंस के हिसाब से जो चल रही है इसी सीक्वेंस में देखेंगे तो उत्तरा फाल्गुनी होगा। अगर उत्तरा फाल्गुनी है, कृतिका हो और उत्तराषाढ़ा आपका जन्म का नक्षत्र है, तो कल का दिन आपके लिए थोड़ा सा डेंजर टाइप की सिचुएशन क्रिएट करेगा। डेंजर टाइप की सिचुएशन करने का मतलब है कि आपके कहीं ना कहीं लाइफ में कोई बुरी खबर से संबंधित आपका काम रहेगा। अगर जिन जातकों का जन्म कल के दिन अगर हम देखेंगे, कल का 3 तारीख का उनका राशिफल बताएंगे, जिन जातकों का अगर
जन्म शुक्र के तीन नक्षत्रों में हुआ है, शुक्र के तीन नक्षत्र में फिर उसी सीक्वेंस में ले रहा हूँ कि जिस सीक्वेंस में हमें ये चल रहा है, क्योंकि ये थर्ड जो है नक्षत्रा का जो थर्ड साइकिल चल रहा है जिसके अंदर, क्योंकि उसके बाद फिर वापस से अश्विनी का साइकिल आएगा, अश्विनी से अश्लेषा का, तो वो फर्स्ट साइकिल कहलाता है। तो और इसी बात से अगर हम देखेंगे मगा से लेके जो ज्येष्ठा तक है सेकंड आता है, मूला से लेके जो रेवती तक आता है वो थर्ड साइकिल आता है। तो ये थर्ड साइकिल में अगर हमें शुक्र का देखना हो, तो अगर आप शुक्र का देखेंगे तो आपको कौन सा चीज दिखना चाहिए इसमें? भरणी और पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा दिखना चाहिए। अगर इन तीन नक्षत्रों में जिन जातकों का जन्म हुआ है तो उनको वेल बीइंग जो है उनके खबर, खुशी की खबर, या ओवरऑल उनको चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखेंगी। उनको हर तरफ जो भी इन्वायरमेंट होगा उनको हर तरफ मतलब चांद तारे ही टाइप की चीजें दिखेंगी। उनको कल कोई बुरी चीज दिखने की किसी भी चीज में, अगर वो किसी से बात भी करेंगे तो अगर कोई उनका बुरा कर भी रहा है तो वो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो कल एक अच्छे मूड में रहने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जिन जातकों का केतु के तीन नक्षत्रों में जन्म हुआ, केतु के तीन नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी, मघा और मूल, तो उनके लिए जो है डिफिकल्ट टाइम पीरियड रहेगा। उनके बनते बनते काम रुकेंगे, यानी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, कुछ उनके काम में सडन ऐसा आ जाएगा कि उनका बनता हुआ काम रुकेगा। इस टाइप के अगर हमें चीज देखनी चाहिए तो ये कौन करता है हमारे जीवन में? बनता बनता काम अचानक रोक देने का काम वो लोग करते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं। उनको हमारे काम को बनते हुए देखकर जलन होती है। वो ऐसे व्यक्ति आपको कल रुकावट कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी आंखें खुली रहें और ऐसे लोगों को देखें जो आपको बार बार कहते हैं कि हाँ मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तेरे साथ ही हूँ, और लेकिन वो बाद में आपको पता चला कि साथ नहीं होते, तो ये भी उनके रिजल्ट मिल सकता है। बुध के तीन नक्षत्र जो हमने देखे हैं, बुध के तीन नक्षत्रों को अगर हम देखेंगे तो बुध के कौन से आ जाएंगे? अगर ये साइकिल में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा। तो ये तीनों नक्षत्र जो कल हैं वो साधक तारा में हैं, यानी जो भी जिन जातकों का जन्म बुध के तीन नक्षत्रों में हुआ है, यानी कि रेवती में हुआ है, अश्लेषा में हुआ है और ज्येष्ठा में हुआ है, वो पहले से कंटिन्यूअसली कोई काम को करते आ रहे हैं, तो कल उनको रिजल्ट मिलने की, या उस काम को जो आगे बढ़ाने के लिए किसी की जो नेसेसरी एक अप्रूवल चाहिए, वो एक भगवान के रूप में, एक साधक के रूप में आपके सामने आएगा और वो आपके काम को बनता हुआ या आगे बढ़ा के चला जाएगा। इसी प्रकार से जिन जातकों का जन्म अगर शनि के तीन नक्षत्रों में हुआ होगा तो शनि के तीन नक्षत्र कौन से हो जाएंगे? अगर शनि के हमें तीन नक्षत्र देखने हैं तो उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा, इस सीक्वेंस में मैं ले रहा हूँ, थर्ड साइकिल और फर्स्ट साइकिल की ओवरलैपिंग के साथ। तो वैसे जातकों के काम को आप कह सकते हैं कि बहुत ही आप कह सकते हैं बाधक तारा में बैठा हुआ है तो बहुत ही मुश्किल ही आएगी, मतलब आप कह सकते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट टाइप की सिचुएशन आएंगी, या उनको कुछ बीमारी के लिए हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ सकता है, या उनको कोई बैड न्यूज आ सकती है। तो इसी प्रकार से जिन जातकों का गुरु के तीन नक्षत्रों में जन्म हुआ है, गुरु के तीन नक्षत्र जो कल के अंदर हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे कौन से तीन नक्षत्र होंगे भैया? गुरु के जो ऐसे एक नक्षत्र होता है अनुराधा होता है, एक एक हमारा पूर्वा भाद्रपद होता है, और एक हमारा जो नक्षत्र होता है विशाखा होता है। यानी अगर विशाखा एक नक्षत्र होगा हमारा, और अभी मैं एक नक्षत्र को शायद गलत तरीके से यहाँ पे प्रनाउंस कर रहा हूँ, तो वो होंगे पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। ये तीन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है तो उनको अपने दोस्तों से एक मदद मिलने की संभावना रहेगी। उनके कोई भी जो साथ में वर्किंग प्लेस वाले हैं या घर के जो उनके नेबर हैं पास वाले, उनको वहां पर उनसे मदद मिलते हुए दिखाई देगी। और जिन जातकों का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, राहु के तीन नक्षत्र जो हम करेंगे तो इसमें आद्रा, स्वाति और सत्विशा, जिन तीन नक्षत्रों में हुआ है उन जातकों के लिए उनके जो नियर एंड डियर वन, यानी जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं, जिनके कंपनी में वो रहते हैं, या वो अपने घर वालों के साथ रहते हैं, या वो किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उनकी प्यार के प्रति उनकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी।
तो दोस्तों अभी तक मैं आपको 1 अगस्त, 2 अगस्त और आज ये तीसरी वीडियो है 3 अगस्त के बारे में तक नक्षत्रा बेस्ड बता रहा हूँ। अगर किसी भी जातक को लगता है जिनको अपने करक नक्षत्रा बताया है और जो मेरे बताने से उनको ये रिजल्ट नहीं मिल रहे और उनको अगर अपना रीजन भी शेयर करना है तो इस वीडियो के नीचे जो ओपन कमेंट्स हैं उसमें लिख सकते हैं, सो दैट हम देख सकें और अपने आप को भी आगे कुछ और मॉडिफाई करने की जरूरत है तो उसको करें। जय श्री राम।